भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, पूरी दिल्ली की ठंड उठनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे संगठन मंत्री श्रीमान रामलाल जी, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री प्रभात झा जी, दिल्ली प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी, अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिनको दिल्ली के चुनाव की कमान सौंपी है, ऐसी हमारी मुख्यमंत्री पद की प्रत्याशी श्रीमती किरण बेदी जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री महेश गिरी जी, मेरे मित्र और राज्यसभा के सांसद दिल्ली के प्रमुख नेता श्रीमान विजय गोयल जी, हमारे संगठन मंत्री श्रीमान राकेश जैन जी, वीरेंद्र सत्तेवा जी मयूर विहार जिले के अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर कंवर सेन जी सहादरा जिले के अध्यक्ष, और इस विधानसभा क्षेत्र से अभी अभी किरण जी ने परिचय कराया वो दसों विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो 10 तारीख के बाद सबके सब विधायक बनने जाने वाले हैं, ऐसे हमारे सभी प्रत्याशी। और आज के इस सम्मेलन की जान हमारे सभी बूथों के इंचार्ज और पन्ना प्रमुख और बाकी सभी पदाधिकारी। मित्रों, सामान्यतः चुनाव शुरू होने के बाद पार्टी जनता के बीच में दिखाई पड़ती है और हम चुनाव शुरू होने के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो एक विचित्र प्रकार की बात है, मगर ये बात आप मेरी बात समाप्त होने के बाद याद करेगा, यही बूथ इंचार्ज और पन्ना प्रमुख इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने जा रहे हैं। हम सभी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, सालों से काम करने वाले लोग हैं। कई लोग तो ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जो 25 साल, 30 साल, 35 साल से भारतीय जनता पार्टी को अपना समय देते हैं और परिवार से भी ज्यादा समय भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं को मैं बताने आया हूं मित्रों कि यीशु का है 2014 का साल जो गया है अभी अभी, वो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक सुवर्णमयी साल है, एक विजय वर्ष है। क्योंकि इसी वर्ष में जिस बात की कल्पना करकर कई कार्यकर्ता काम करते करते अपना जीवन समाप्त कर दिए, कई लोगों ने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण इस पार्टी के लिए दे दिया, जो स्वप्न लेकर हम चले थे कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूर्ण बहुमत के साथ इस देश का प्रधानमंत्री बने, वो इस साल में समाप्त हुआ है। और हमारे नरेंद्र भाई इस देश के प्रधानमंत्री बनकर आज देश का शासन कर रहे हैं। इसी साल के अंदर 2014 के वर्ष के अंदर ही 4 चुनाव आए, महाराष्ट्र का आया, हरियाणा का आया, झारखंड का आया और जम्मू कश्मीर का आया। चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता पाई है और 4 में से 3 राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री अपनी शपथ ले चुके हैं। ये 2014 के वर्ष की विजय गाथा एक्सटेंड करने के लिए अब बारी आई है दिल्ली के कार्यकर्ताओं की। 2015 के साल में 2 चुनाव होने हैं, एक दिल्ली का होना है और एक बिहार का होना है।
भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो मोदी जी के नेतृत्व भाई ओ ओ भाई आप यहां बैठ जाइए, आप जरा साइड पर बैठ। भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में घूमकर दिल्ली की सरकार बनाकर, केंद्र की सरकार बनाकर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर घूमते घूमते दिल्ली के अंदर आया है और वो रथ यहां पर भी विजयी होकर बिहार की ओर प्रस्थान करने वाला है। 10 तारीख के बाद जब हम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता पूर्ण बहुमत का विजयोत्सव मनाते होंगे, तब सिर्फ दिल्ली का विजयोत्सव मत मनाना, इसके साथ ही बिहार के विजय की भी नींव दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने डालनी है। मित्रों, कई कारण है भारतीय जनता पार्टी के विजय के। हमारी विचारधारा अब देश में सर्वस्वीकृत हुई, कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का सम्मान हुआ, इसकी स्वीकृति हुई है। हमारे नेतृत्व की भी पूरे देश के अंदर स्वीकृति हुई है। आज नरेंद्र भाई मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अकेला ऐसा आदमी बना है कि शपथ विधि के बाद भी जिसका ग्राफ पॉपुलैरिटी का नीचे नहीं जाता, ऊपर जा रहा है। नरेंद्र भाई अकेले ऐसे, और इसके कई कारण, जिस तरह से इन्होंने सरकार चलाई है, ये 8 महीने के अंदर जिन जिन बातों को भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के सामने रखा था, वो सभी बातों को पूरा करने के लिए एक कॉन्क्रीट प्रयास किया है। कुछ बातों के लिए रोड मैप बनाया है और कुछ बातों के लिए आयोजन हुआ है, और इसी के कारण जनता का भरोसा हमारे नेतृत्व के अंदर बढ़ा है। मित्रों, मैं पूरी सरकार की उपलब्धियों की बात करना नहीं चाहता, मगर मैं 2 चीजों के लिए आपका निश्चित ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमने कहा था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो महंगाई से जनता को मुक्त बना देंगे। आप मुझे बताइए, 10 साल के यूपीए के शासन के अंदर आपने कभी पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हुए देखे थे क्या? देखे थे? नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8 महीने के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का काम किया। थोक महंगाई का सूचकांक जो 6 और 8 के बीच में रहता था, उसको 0 और 1.5% के लाकर रख दिया है, और महंगाई अपने आप मोदी सरकार के सामने परास्त होकर मैदान छोड़ती नजर पड़ती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल गर्व से कह सकते हैं कि किसी भी आय ग्रुप का परिवार क्यों न हो, किसी भी इनकम ग्रुप का परिवार क्यों न हो, उसके महीने के बजट के अंदर 1500 से 4500 रुपये का कटौती इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये बात को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताना पड़ेगा कि हम वो लोग हैं जो बोलते हैं वो करते हैं। मित्रों, कई ऐसे काम हैं जिनको मैं बड़े डिटेल तो नहीं बताना चाहता, मगर थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए कह देता हूं। जनधन योजना हो, स्वच्छ भारत, गंगा भारत अभियान, गंगा स्वच्छता अभियान, WTO के अंदर हमने जो सिद्धि ली है, और मेक इन इंडिया की योजना, स्किल डेवलपमेंट की योजना, और कई सारी योजना के साथ साथ दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को भी नियमित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सालों से वादे कांग्रेस ने दिए। 15 साल दिल्ली में सरकार रही, 10 साल केंद्र में सरकार रही, कुछ नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने 7 ही महीनों में एक कर दिखाया है। ये बात लेकर हमने जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। मित्रों, मगर इस बार कई चुनाव के जीतने के कारण मोदी जी का लोकप्रिय नेतृत्व है,
सरकार के अच्छे काम है। अब किरण जी से दिल्ली को बड़ी आशा बंधी है। ये सब कारणों के बावजूद मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते कहता हूं कि हमें चुनाव इस बार जीतना है तो बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख के परिश्रम के आधार पर जीतना है। हम एक नई परंपरा खड़ा करना चाहते हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी के मिशन लिए हुए कार्यकर्ता है, हमारी विचारधारा के आधार पर पार्टी चलाने वाले कार्यकर्ता है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव हमारे लिए फौरी सरकार बनाने की एक कवायद नहीं है। चुनाव लोक संपर्क का महोत्सव है। हर व्यक्ति का संपर्क करना, अपनी बात उसके सामने रखना, उसकी समस्या को जानना और भारतीय जनता पार्टी के निशान पर बटन दबाने के लिए उसको तैयार करना, ये एक्सरसाइज, ये कवायद अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करने के लिए तैयार है तो मैं दीवार पर, सामने एक दीवार पर लिखा हुआ देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस बार 1.5 महीने पहले से ही दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं से मेरी बात हुई और हमने कहा था कि चुनाव आने के पहले, पर्चा डालने के पहले हर बूथ का एक इंचार्ज आप तय कर दीजिए और हर बूथ के इंचार्ज के साथ मतदाता सूची के हर पन्ने का इंचार्ज कर दीजिए। मुझे कहते हुए आनंद है कि दिल्ली में करीब करीब 92% बूथों के इंचार्ज तय हो चुके हैं, 92% और 85% से ज्यादा पन्ना प्रमुख भी तय है। आप लोग बूथ इंचार्ज है ना, जिनका नाम एक बूथ के लिए तय है वो जरा हाथ खड़ा करे। तो ज्यादातर बूथ इंचार्ज ये बाकी के पदाधिकारी, और आपके पास आपके बूथ के हर पन्ने का प्रमुख का लिस्ट है? अरे भाई हाँ या ना तो बोलो। है तो जरा हाथ खड़े करिए, हाथ में लिस्ट होना चाहिए। सब लोग लेकर आए, इसके अंदर आपका टेलीफोन नंबर भी है सबका, है ना, की वोटर्स की सूची भी है, जाति समीकरण भी आपने डाला हुआ है ना। तो मित्रों मैं बता दूं, इसका उपयोग अगर हम करते हैं तो 5 दिन से ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है, 5 ही दिन करना है। ये जो रचना की है इसको हम एक मॉडल बनाकर दिल्ली का चुनाव जीतकर देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताना चाहते हैं, दिल्ली वालों ने चुनाव ऐसे जीता है, देश भर में चुनाव इसी तर्ज पर लड़ा जाना चाहिए, इसलिए कवायद की है। हर बूथ का इंचार्ज अपने पन्ना प्रमुखों को हरेक एक बार 20 मिनट के लिए मिल ले, ज्यादा नहीं 20 ही मिनट मिलना है, और हर पन्ना प्रमुख दिन में 2 या 2.5 घंटा अपने पन्ने के मतदाताओं को मिलने के लिए निकाल ले। इतना हो सकता है भाई? दिन में 3-3.5 घंटे आप काम कर सकते हैं पक्का? एक पन्ना प्रमुख के सामने 100 से ज्यादा वोटर का नाम नहीं, 100 वोटर का मतलब होता है 30 परिवार। एक दिन में 30 परिवार का संपर्क हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप लोगों का 200 पन्ना प्रमुखों का संपर्क हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अगर रामलाल जी एक दिन कहे कि आज शाम को 6 से 9 बजे तक दिल्ली के हर नागरिक के घर में भारतीय जनता पार्टी का पर्चा पहुंचना चाहिए, तो पहुंच पाए या न पहुंच पाए बताइए? पहुंच पाता है पक्का? तो हम इस चुनाव के अंदर 4 दिन ऐसे निकालेंगे। एक में भारत की सरकार के अच्छे काम जो हमने किए हैं वो लेकर जाएंगे, दूसरे में भारतीय जनता पार्टी का परिचय और उसके सिद्धांत लेकर जाएंगे, तीसरे में हम हमारे मुख्यमंत्री पद की प्रत्याशी जो है
उनका परिचय लेकर जाएंगे और एमएलए का परिचय लेकर जाएंगे, और चौथे में हम दिल्ली के चुनाव में दिल्ली वासियों के लिए इस चुनाव के बाद क्या करने वाले हैं ये लेकर जाएंगे। ये चारों पर्चे तीन तीन घंटे में हरेक दिल्ली वासी के घर पे पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं ना मित्रों, ये हमारी परंपरा है। काफी सालों से इसकी विस्मृति कर गए थे हम। दिल्ली में बार बार चुनाव हारने का कारण यह था कि बूथ इंचार्ज और पन्ना प्रमुख की हमारी परंपरा दिल्ली में से लुप्त हो गई थी। भाषणों के आधार पर चुनाव जीतना, रैलियों के आधार पर चुनाव जीतना, नेताओं के फोटो के आधार पर चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है एक एक नागरिक के मन में देशभक्ति, नरेंद्र मोदी के प्रति की श्रद्धा को जागृत कर चुनाव जीतना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है। और इस बार इस चुनाव में रैलियां भी होगी, रोड शो भी होंगे, पर्दे भी लगेंगे, बैनर भी लगेंगे, रिक्शा भी घूमेगी, मगर मेरी अपेक्षा आप सबसे ये है कि चुनाव की जीत केवल और केवल बूथ इंचार्ज और पन्ना प्रमुख के आधार पर करके हमें चुनाव जीतना है। और ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत चुनाव की पद्धति है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। एक ऐसा विज्ञान हमारे कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया है जिसके आधार पर कठोर से कठोर चुनाव हम जीत सकते हैं। मित्रों, इस चुनाव में कांग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती। दिखाई पड़ती है आपको? दिखाई पड़ती है? हमारा मुकाबला केवल और केवल आप पार्टी के कारण है, आप पार्टी के सामने है। और मुकाबला भी इसलिए है कि हमारे सामने जो मीडिया वाले मित्र बड़े बैठे हैं ना, उन्होंने तय किया है कि मुकाबला कराना है, वरना आप पार्टी से भी कोई मुकाबला नहीं है। मगर मीडिया ने ठान ली है कि आप पार्टी से मुकाबला कराना है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ठाना है कि मीडिया के साथ भी आप पार्टी को हराकर ही हम दम लेंगे। क्योंकि मित्रों, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। झूठ के आधार पर जो लोकप्रियता पाते हैं उनकी लोकप्रियता अल्पजीवी होती है। वो आप बूथ में कहिएगा, मगर मित्रों मैं आपको बताने आया हूं कि केजरीवाल जी पूरा एक अभियान बनाए हुए है, उस अभियान का आधार झूठ के आधार पर बना गया है। केजरीवाल जी कई बार भाषण में बोलते हैं कि हम आम आदमी हैं, बोलते हैं ना, हम सीधी सादी जिंदगी देते हैं, हम पब्लिक लाइफ के अंदर साकी के पुरोधा हैं। केजरीवाल जी आप तो IRS अफसर रहे ना, हमारे यहां तो ऐसे कार्यकर्ताओं की परंपरा है जिन्होंने जीवन में अपना घर भी नहीं बसाया, पूरा जीवन चंदन की तरह देश के लिए घिस दिया। और वो आपकी तरह प्रचार नहीं करते। कुशाभाऊ ठाकरे जिनका पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गया, सुंदर सिंह भंडारी जिनका पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए गया, कैलाशपति मिश्र पूर्व में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए कभी प्रसिद्धि की खेवना रखे बगैर भगवान के पास पहुंच गए। कई ऐसे कार्यकर्ता, जगन्नाथ राव जोशी हो, राजमाता सिंधिया हो, यज्ञदत्त शर्मा हो, या हमारे अडवाणी जी और अटल जी हो, श्यामा प्रसाद जी और दीनदयाल जी ने जीवन का बलिदान देशभक्ति के लिए। आप हमें सादगी सिखाते हैं? हमारी तो पार्टी ही ये बलिदान की परंपरा में से खड़ी हुई पार्टी है। हमारा हर कार्यकर्ता सात अर्ध में आम आदमी है। और मित्रों, इस भरोसे के साथ जाना
कि ये जो नौटंकी आम आदमी पार्टी कर रही है उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के पास बैठे हैं और ये भरोसा लेकर जा रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार से नीचा देखने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल जी, आपने तो जो बात हमेशा कही वो हमेशा टोड़ी है। आपने कहा था हम कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं देंगे, कहा था या नहीं कहा था? कहा था ना। और भारतीय जनता पार्टी ने तो उनका समर्थन नहीं किया, मगर कांग्रेस का समर्थन लेकर आप मुख्यमंत्री बन गए। आपने कहा था कि राष्ट्रमंडल के खेलों में बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, 230 पेज का करप्शन का दस्तावेज लेकर आप दिल्ली की जनता के सामने घूमे थे और उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही शीला दीक्षित को हम जेल में डाल देंगे। कहा था या नहीं कहा था? मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, 49 दिन में आपने क्यों शीला दीक्षित पर FIR नहीं की? क्योंकि आप कांग्रेस का समर्थन लेकर सत्ता पर बैठ गए थे, इसलिए आप। मित्रों, ये बात दिल्ली की जनता को याद कराइए कि कांग्रेस का समर्थन न लेने वाला, कहने वाला केजरीवाल जी कांग्रेस के समर्थन से बैठे और बाद में करप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर शीला दीक्षित को छोड़ दिया। एक आपको याद होगी नीले रंग की कौन सी गाड़ी थी वो? वैगनोर। आजकल कौन सी गाड़ी से घूमते हैं भाई? हैं, जरा जोर से बोलिए। वैगनोर से 49 दिन में ही यहां तक पहुंचे हैं। 5 साल केजरीवाल हो गए तो घर के सामने हवाई जहाज पार्क करेंगे, हवाई जहाज पार्क। 49 दिन में आपने अपना सच्चा रूप दिल्ली की जनता को दिखा दिया है। मित्रों, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा था कि उनके शासन में दिल्ली के व्यापारियों पर एक भी रेट नहीं पड़ी। उनको मालूम है दिल्ली का व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो उनको उकसाना चाहते हैं। मगर मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि 49 दिन में 151 दिल्ली के व्यापारियों पर रेड करने का काम आप पार्टी की सरकार ने किया था और वो शायद अपने समय में सबसे ज्यादा थे। उन्होंने कहा कि हमारे समय के अंदर 5665 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा हो गया। ये कोरा झूठ। 49 दिनों में सिर्फ 2033 करोड़ का टैक्स इकट्ठा हुआ था, 5665 करोड़ का नहीं हुआ था। और उसके बाद वाले 49 दिन में उनके जाने के बाद 3632 करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ था, उनके समय में तो कम हुआ था। मित्रों, इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार की नीतियां लोग तय करेंगे, लोगों को मैं मिलूंगा, लोग दरबार बनाऊंगा और लोग मुझे सचिवालय में मिलने आएंगे। याद है या नहीं है आपको? याद है ना। पहले ही दिन जैसे ही जनता आई वो भागकर सचिवालय की छत पर चढ़ गए और उसके बाद कभी लोक दरबार नहीं किया। अब पूछना कि केजरीवाल जी अब दोबारा आप लोक दरबार करने वाले या नहीं करने वाले? करने का सवाल ही नहीं आना है, क्योंकि इस बार उनकी सरकार ही नहीं बनने वाली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इन्होंने कहा था कि हम कॉरपोरेट घरानों से चंदा नहीं लेंगे। मेरे पास सूची है कि किन किन कॉरपोरेट घरानों से आप पार्टी ने चंदा लिया है। उन्होंने कहा था कि बिजली का दाम हम 50% कर देंगे, अभी भी कह रहे हैं हमने तो कम कर दिया, हमने तो कहा था वो किया। भैया, आपने तो पूरी बिजली के दाम 50% करने का कहा था, आपने 400 यूनिट तक का ही कम किया। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम मत करिए, ये वचन भी आपने पूरा नहीं किया। उन्होंने किया था कि हम पानी मुफ्त में देंगे, बाद में 700 लीटर पर आए, मीटर पर आए,
और कॉलोनियों के जो संयुक्त मीटर थे उसमें भी उसमें उन्होंने किया नहीं। पानी देने का वादा भी केजरीवाल ने नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी को हम परमानेंट करेंगे, कहा था या नहीं कहा था? कहा था या नहीं कहा था? 49 दिन में उसके लिए कोई काम नहीं किया। आज भी वो कॉन्ट्रैक्ट के लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और मोदी जी का नेतृत्व है, एक और किरण जी की यशस्वी कारकिर्दी है, और दूसरी ओर झूठ के पुलंद के आधार पर मुख्यमंत्री बनने निकले केजरीवाल है। दोनों का कोई कंपेरिजन नहीं है। मोदी जी ने 7 महीने के अंदर इस देश में एक विश्वास खड़ा किया है, इस देश की जनता में विश्वास खड़ा किया है, अर्थतंत्र को पटरी पर लाने का भगीरथ प्रयास किया है, और पूरी दुनिया ये मान रही है कि 21वीं शताब्दी भले से लेट से लेट मगर 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की शताब्दी बनने जा रही है, वो फिर से एक बार सिद्ध किया है। आप कर याद करिए, यूपीए के मोनी बाबा याद है ना आपको, विदेश जाते थे या नहीं जाते थे? जाते थे। आपको कभी मालूम पड़ता था कब वो जापान जाकर आए? मालूम पड़ता था? अब मोदी जी अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जापान जाते हैं, नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, फिजी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो हजारों हजारों की भीड़, हजारों हजारों का हुजूम मोदी जी के स्वागत के अंदर उमड़ पड़ता है। और मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि स्वागत मोदी जी का नहीं है, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का दुनिया में हो रहा है। ये काम नरेंद्र मोदी ने 7 महीने के अंदर किया है। दो हाथ दो टाइप किए हुए पेपर लेकर, दो पेज लेकर अंग्रेजी में लिखा हुआ पढ़कर देश के प्रधानमंत्री चले आते थे, हमने देखा था। मोदी जी जब यूएनए को ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम में, अमेरिका के स्टेडियम में लयबद्ध तरीके से अपने दिल से हिंदी में दुनिया को संबोधित करते हैं और दुनिया उसको सुनती है, तो हर एक हिंदुस्तानी का दिल हिंदी के गौरव से लबोलब हो जाता है। ये काम मोदी जी ने किया है। 10 साल तक देश की सीमाओं पर पाकिस्तान गोलीबारी करता था, करता था या नहीं करता था? करता था। आज भी करता है, मगर बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले पाकिस्तान गोलीबारी जब होती थी तो उसकी शुरुआत पाकिस्तान की फौज करती थी और उसकी समाप्ति भी पाकिस्तान की फौज करती थी, मगर आज गोलीबारी होती है तो उसकी शुरुआत तो पाकिस्तान की फौज करती है मगर उसका अंत हिंदुस्तान की फौज करती है। वहां से गोली आती है तो यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। देश की सरहदों की सुरक्षा के साथ फौरी वोट बैंक की राजनीति के कारण जो खिलवाड़ होता था वो खिलवाड़ नरेंद्र मोदी की सरकार में भूतकाल बनकर रह गया है। हर गोली का जवाब गोली से दिया जाता है और देश का जवान भी सीना तान कर कहता है कि हमें जवाब देने के लिए सरकार के किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। मित्रों, देश के हजारों हजारों बेकारों के लिए मोदी जी ने एक योजना 15 अगस्त को शुरू की, जो घोषित की। पहले तो एक योजना घोषित होती थी तो दूसरे चुनाव में वो घोषणा पत्र के अंदर आती थी, कहीं अमल नहीं होता था उसका। 15 अगस्त को मेक इन इंडिया की योजना की घोषणा की और सितंबर 25 को मेक इन इंडिया को बनाकर उन्होंने देश के सामने रख दिया और करोड़ों करोड़ों बेकार युवाओं के लिए भविष्य के दरवाजे नरेंद्र भाई ने खोल कर रख दिए। मित्रों, कई सारे काम, इतने सारे काम है कि पुस्तिका आपके साथ आए पास आएगी तो पढ़कर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है फिर भी चकित हो जाएंगे। दिल्ली को जरूरत है केंद्र के साथ संवाद और सहयोग से आगे बढ़ने वाली सरकार,
दिल्ली को जरूरत है भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार का। दिल्ली को जरूरत है लोगों के साथ सीधी बातचीत कर उनके दुख दर्द को समझने वाली सरकार का, और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी ही किरण बेदी के नेतृत्व में दे सकती है, ये भरोसा दिल्ली वासियों को हो गया। मित्रों, इस बार इस झूठे प्रचार का जवाब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं देगा। इस झूठे प्रचार का जवाब भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रदेश के या देश के नेता नहीं देंगे। इस झूठे प्रचार का जवाब मेरा बूथ इंचार्ज और पन्ना प्रमुख घर घर जाकर देगा, तभी इस चुनाव को हम जीत कर आएंगे। मित्रों, हम सालों से 50 साल से इस देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए प्रयास करने वाले, पुरुषार्थ करने वाले कार्यकर्ता है। हम 50 साल से इस भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने के लिए अपना जीवन खपाने वाले कार्यकर्ता है, और आज इतिहास, आज देश की राजनीति की यात्रा एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है, यहां से रास्ता तय होना है। केंद्र में सरकार बनने के बाद, 4 राज्य जीतने के बाद दिल्ली का चुनाव पूरा देश और दुनिया बड़े ध्यान से देख रही है। दिल्ली का विजय का अर्थ है देश में भारतीय जनता पार्टी का दिग्विजय होना। एक बार दिल्ली का चुनाव जीतते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक भारतीय जनता पार्टी की इस विजयी सेना को कोई रोक नहीं सकता। और मित्रों, मुझे भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, मुझे भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के बूथ इंचार्ज पर, मुझे भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख पर। जब ये लोग चुनाव के मैदान में भारत माता की जय के जयकारे के साथ लोक संपर्क के लिए निकलेंगे तो झूठ के पुलिंदे के आधार पर बनी हुई पार्टियां अपने आप टाई टाई फीस होकर जमीन दोस्त हो जाएगी। सवाल है, आप लोगों ने एक बार मन से तय करना है कि आज से लेकर 7 तारीख तक अपने परिवार के काम से, अपने व्यवसाय के काम से, अपनी नौकरी से एक समय निकालकर भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करना है। और जब ये समय आप निकालकर भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं तो किसी एमएलए को जिताने के लिए काम मत करना, किरण जी को भाजपा की मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम मत करना। आप काम करना तो ऐसे गौरव के साथ करना कि हमारी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाने के लिए ये 2 घंटा उसके चरण में मैं समर्पित करता हूं। इस गौरव के साथ, इस देश के अभिमान के साथ, इस देश की भक्ति के साथ ये समय आप देंगे तो ईश्वर निश्चित अपनी सहायता करेगा। मित्रों, मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए हाथ खड़े कर, आप लोग चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के लिए जो समय अपेक्षित है वो देंगे? अपने पन्ना प्रमुखों से संपर्क रखेंगे? घर घर संपर्क करने जाएंगे? 4 बार पूरे चुनाव अभियान में हम संपर्क करेंगे? तो मित्रों, विजय निश्चित है और 10 तारीख के बाद किरण जी का इस राज्य का मुख्यमंत्री बनना भी निश्चित है। आप लोगों को मैं फिर से एक बार आपके अंदर पड़े भाव को जागरूक करने के लिए भारत माता की जय बोलाऊंगा। दोनों हाथ खड़े कर जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।